अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बहुत अच्छे से हूँ। और अभी असर की नमाज अज़ान हो गई है, असर की नमाज़ पढ़ने जा रही है। बस वजू करके उठी हूँ मैं, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ है चारों तरफ, पता नहीं क्यों। त्यौहार के बाद ऐसा होता है, जिस दिन त्यौहार होता है ना उस दिन रौनक रहेगी, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया जाता है। कल होली थी लेकिन कल रौनक थी, आज सन्नाटा हो रहा है। खैर कोई नहीं, सन्नाटे को छोड़ते हैं। और साथ में यहाँ पे लिख दिया हैप्पी होली, मैंने उसको चिल्लाया अभी तो, मेरे बेटा ऐसी दीवार ख़राब नहीं करते। कह लगा अच्छा मम्मा सॉरी, दोबारा नहीं करूँगा। अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ ले, नमाज़ पढ़ के आपसे बात करती हूँ। दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, बंदर आने के चांसेस हैं। नमाज हो गई है तो दरवाज़ा खोल देते हैं और लग जाते हैं तैयारी में। फ्रोजन चीज़ें हैं, वो ही बना रही हूँ मैं फ्रिज में से निकाल के। चलो आज जो भी है थोड़ा थोड़ा जो सब बचा है सब फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे है ना मुंबई जाने से पहले फ्रिज को भी साफ करके जाना है। तो मैं जो भी चीज़ें मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर देती हूँ और फिर देखते हैं जो भी होगा बनाते रहेंगे। और आज मैं खाने में ना चिकन का सालन बनाने जा रही हूँ। और ना मैं ना ऐसे अपने हाथ से बनाती हूँ ना फ्रेंड, मैं बोर हो गई अपने हाथ का खुद बना बना के। ऐसा होता है कि हम खुद ही बना रहे हैं खुद ही खा रहे हैं, हम खुद ही बना रहे हैं खुद ही खा रहे हैं। तो मैंने अम्मी को बोला मैं अम्मी मैं तुम आकर ना चिकन का सालन बना दो, और मैं तो अपने हाथ से खा खा के बोर हो गई हूँ। तो अम्मी कह रही ठीक है मैं आती हूँ, मगरिब के बाद ही आएंगी वो रोज़ा खोल के। और मैं उनको कितनी बार बोलती हूँ तुम आके यहाँ पर रोज़ा खोल लो, एक एक दो मतलब मेरे को भी सवाब मिल जाएगा। तो अम्मी आती नहीं है क्योंकि ना ऐसा ना असल में मेरे पापा भी अकेले ही रोज़ा खोलते हैं, तो अम्मी को अच्छा नहीं लगता कि पापा को अकेले छोड़ के आना इधर। तो इसलिए अम्मी पापा साथ में रोज़ा खोलते हैं, इसलिए इसी वजह से वो यहाँ नहीं आती हैं। तो कहने लगी ठीक है मैं अपना घर का काम करके और मगरिब के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं आती हूँ, तो फिर वो मेरा सालन बना देंगी। फिर बहुत सारी बातें करेंगे अम्मी के साथ मिल के। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैंने अपने भाई से चिकन मंगाया है तो प्याज व्याज काट के रख लेती हूँ, थोड़ा सा उनको भी हेल्प हो जाएगी। और ये तल्ला तलूरने का काम है वो कर लेते हैं। चलो मैंने भाई से चिकन मंगाया था, वो चिकन लेके भी आ गया, तो फ़ोन करा कि नीचे आके मैं चिकन लेके चला जाऊँ, क्योंकि दो माले पे चढ़ना सबको भारी लगता है भाई। मेरे को खुद को नीचे और उतर जाती हूँ ना, तो ऊपर आना बहुत भारी लगता है और ऊपर से नीचे जाना। चलो चलती मैं चिकन ले आती हूँ। अम्मी अम्मी के हाथ का, तुम्हारे हाथ का मुझे चिकन खाना है मुझे आज, अपने हाथ से यकीन मानना अम्मी मैं खाना बना रही हूँ। 700 पूछ रहा मैं खाती नहीं हूँ तो दो दिन साथ तू बता मैं खाना बना रही हूँ है और खा नहीं रही हूँ। मैं साहब ये कह रहा मम्मा खाना क्यों नहीं खा रही हूँ, मैं साथ में खुद बनाती हूँ, मेरा ना जी बना बना के जी भर गया, टेस्ट ही नहीं लग रहा मुझे। ये लाई अम्मी अपने नमाज के लिए बिरयानी, कहाँ से आई थी, कहाँ से आई, किसी घर से आई है, पैकेट है, किसके आ गई है। अच्छा अच्छा थोड़ी देर बैठ जाओ बना लेना। वैसे सारी तैयारी मैंने कर ली है, प्याज काट दी है और मसाला दिया, अदरक लहसुन पिसेगा, दही तुम लेके आ गई, मसाला तो मैंने लगा कर रख दिया। बात कर रही हूँ जैसे कि हम लोग हैं, जैसे कि अम्मी की जो बेटियाँ होती हैं वो तो यूट्यूब पे देख देख के ऐसा हो गया ना, हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें वैरायटी बनाना सीख गए हैं। चिकन अलग तरीके से, कभी हरा चिकन, हैदराबादी चिकन, खड़े मसाले का, सूखा, मतलब कितने तरह के चिकन बना लेते हैं। पर हमारी अम्मी जो लोग हैं ना, अपनी अम्मियों से दादी नानी से सीखी है ना, आज ही वही चिकन बनाती है। तो मैं तो चिकन ऐसे तरह बदल बदल के बनाती रहती हूँ, पर मैंने थोड़ा सा मतलब मेरा हाथ का रहेगा, थोड़ा सा तुम्हारा हाथ का रहेगा, पर मेरा पेट भर जाएगा। तो मैंने ये इस तरह से थोड़ा सा मेरा भी टेस्ट लग जाएगा। थोड़ा बैठ जाओ तुम। हम लोग जब से यूट्यूब आया तो नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। कहाँ मैंने मसाला, अदरक लहसुन लिया हूँ, अदरक लहसुन भेज जाएगा। अरे मैं पैकेट मंगा रही थी, मैं साथ को मैं फोन करी तो मैं कहना अदरक लहसुन के पैकेट आते हैं रेडीमेड वो ले आऊंगी, मेरे पास खत्म हो गया। हाँ मैं नहीं, बाद में याद आया मुझे, अरे लाई थी मैं 6 पैकेट खत्म हो गए। तो अब मैं अब क्या करूँ, पहले तो रखती थी डब्बे के अंदर में, है नहीं खत्म हो गए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अदरक लहसुन पीसने का मन नहीं करे। हाँ हाँ देखो दोपहर दोपहर से असर
और नहीं तो हम भी नीचे आ जाएंगे। मैं भी क्या कर रही, दोपहर से अस्त रस्ते से मगरिब हो गई, मैं पता नहीं। हाँ ठीक है, देख लगे एक बार, देखने में बुराई क्या है, हाँ देखने में क्या है। लहसुन ले आ रही है, अदरक फ्रिज में रखिए, बढ़िया। इसमें चिल्ला उड़ा नहीं है, जब पंखा बंद कर दूँ अरे छिलके उड़ाऊंगे इसके। बोलिए आओ अदरक, इसमें अदरक निकाल लो, कितनी रहेगी, साथ ही कुत्ते को डाल दिया। चुरी लाऊं, साथ तो खा ले बिरयानी शौक से। सब्जी खा लिया, आलू वालू ऐसे कम शौक से खाता है, अपना अपना आलू मेरे की बैगन भरे में रखे, वो भी नहीं खाता, गोश रखा गोश ले ले, भरे में बैगन तो गोश दे दो, फिर गोश कम करने वाली चल जा, आलू दे दो। हाँ भरे में बैगन भी नहीं खाता मैं, बताई तो मैं बनाती हूँ, 4-4 दिन रख के खाती हूँ। और आलू खाएगा कौन से वाले, अरे आलू पता है कौन से खाएगा, वो जितना जरूरत हो आधी किलो है चिकन, वो नहीं है तुम कतले वाले आलू बनाती हो वाले खाता है। हाँ वैसे और कैसे निकाला, रख दो अदरक में धोके डाल दो, नहीं हमें नहीं, मुझे कोई होगा। तेल डालो, तुम डालो तेल, पहले गैस जला लो। जी बड़ी, हाँ जी बड़ी, इसी में मैंने भजी तली, मैंने जी साफ कर लिया, पर कढ़ाई अम्मी इतनी बुरी है ना, शर्म आती है, मैं दिखाते मैं सफाई नहीं हो रही है, बाकी देखो मेरे सारे बर्तन गए चमचमा रहे हैं। जी जी अब तेल डालो, और क्या तेल ले लो, फिर स्मेल नहीं आई थी आपकी, अरे इस जरा सी हो जाएगी, इससे घिसी है मैंने, घिसने की नहीं हो गए उससे, चार गाटे कितनी सही लग रही है, जरा सी घुल जाएगी। हाँ आधी किलो है, हाँ बहुत है, जो घर सारू मुर्गा महंगा हो गया, मेरी सब्जी महंगी हो रही है, सस्ती क्या हो रही है, इसमें निकाल लो गर्म मसाला, स्लिप पे बैठ गई हूँ और अम्मी बना रही है चिकन का, वो डालेगा क्या चिकन मसाला, नहीं मैं डालूंगा इससे अच्छा लगा, अब मेहमान आए तो कोई डाल दो चिकन का मसाला सब कुछ, अब मैं साथ तो खाते ही, अब उसमें चूचलेबाजी कितनी कर रहा है इंसान, कोई सामने खाने वाला ही नहीं है कि बोले अच्छा लग रहा है, अब मैं कितना भी अच्छा बना लूँ मैं अपने हाथ में, फिर टेस्ट ही नहीं आता है, मतलब जी बढ़ जाता है बना के। निकाल लिया सब, जा कम डालना जी, ज़्यादा हो गया फूल, भूल जा दो ले लिए तुमने, एक लो दो हैं, निकाल कम कर दिया जी। अगर प्याज बड़ा है, ये बर्तनों में रखूंगा आए है तो सही, कहीं ना कहीं धोके रख दिया, गीला हो रहा है, आज हमारे इतनी बबरची आएगी बनाने, मैं तेल ना मैंने वो ये भजी के छान के रख दिया, जल्दी गर्म हो जाएगा। हाँ वन दो गर्म, फिर चटका करी नहीं, पका पका तेल चटका डाल दो, प्याज साहब को लिया के टीवी देखे, टीवी मेरा टीवी बंद कर रखी मैंने रमजान की वजह से, सही है वो, सही है वो, कहाँ जाती है वैसे भी अम्मी। हाँ अपन तो बात कर लो फोन पे इसकी उसकी, अब वो जब खोलने के बाद में हाँ बर्तन मांज देगी, बर्तन मांज कोई बढ़िया ही, सही है अभी दिल भी नहीं लगता ना उसका, अब हो जाएगी जरा देर में। नवा मैंने सुझे चिकन इसे मसाला लगा कर रख दिया, इसमें नमक मिर्ची धनिया हल्दी डाल कर रख दिया, आधी किलो चाहिए जरा सा, दो टाइम हो जाएगा सैरी में हो जाएगा। चिकन बना रहे आई है पर मैं अम्मी को अपना तरीका बता रही हूँ, अम्मी कह रही तू ही बना लेती कि तू एक तरह से बनाती हो, अब देखो चेंज करते रहना चाहिए इंसान को, अच्छा रहता है कभी कभी अलग चिकन कभी अलग चिकन, ना खाए ना जाने, अम्मी नहीं खाती आज चिकन, अम्मी नहीं खाती है, मैं बना देती हूँ, अब हम तो खाते हैं इसलिए तो तरह तरह के बनाते रहते हैं फ्रेंड, क्या करेंगे। बताओ अब शादी, दो दिन नहीं बनाऊंगी,
हाँ 2 दिन मत बनाना, 7 दिन भी सब्जी नहीं खाता है काल झुड़ोलू में, वो दाल खा लेगा चिकन वगैरह खा लेगा सालन। हाँ कल ना कबाब बना लेंगे, कबाब चटनी पुदीना रखा है, कबाब चटनी और रोटी और सलाद वलाद कर लूँगी थोड़ी सी। ज़्यादा होती है तो टाइम लग जाता, अब जो एक बार हो जाएगी ना वही चली जाएगी, ये कह रही एक बार हो जाएगी वही चली जाएगी। दिखाना भूल गई मैं, चलो एक बार दिखा देती हूँ, छुरी तो छुरी, ये देखो जो मैंने मसाला डाला था ना चिकन के अंदर मिला के रख दिया था मैंने 1 घंटा पहले, वो डाल दो मद्दी करके रख दो बस, कुछ मत करो, नहीं अभी नहीं। और देखो ये प्याज देखो, हाँ छोड़ दो सीम कल जाएगा चिकन, और ये ना प्याज जो मैंने तल के निकाल लिए ना इसके अंदर दही डाल के और इसका मिक्सर ना ये बाद में डल जाएगा क्योंकि दही तो पक चुकी है, इसका कच्चापन भी निकल गया तो इसको अपन बाद में भी डाल सकते हैं, कोरमा अच्छा बनता है। तो तुम वहाँ बैठे अपने रूम पे, ये बनता रहेगा अपने, नहीं चलेगा मदद कर दूंगी मैं अपने अपने थोड़ा थोड़ा क्योंकि चिकन पानी बहुत छोड़ता है। 8:30 बज गए और अम्मी बहुत देर हो गई, अब अम्मी को लग रही है घर जाने की और बहुत सारी बातें कर ली अम्मी, थैंक यू सो मच। आज मैं यकीन मानना फ्रेंड पेट भर के खाना खाऊंगी इतने दिनों के बाद, अम्मी के हाथ का खाने खाओ ना मैं तभी पेट भरता है, मेरे को आदत नहीं है अपने हाथ की खाने की। अब रमजान में सब ऐसा हो गया ना मैं टाइम नहीं मिल पा रहा, चलो अल्लाह हाफिज़। नानी ने बनाया है चिकन का सालन और इतना अच्छा लगा था फ्रेंड, यही होता है कि जब मेरा मन कर रहा था उनके हाथ का खाना खाने के लिए, हालांकि वो घर से भी दे सकती थी पर मैंने बोला नहीं अम्मी तो मेरे हाथ मेरे घर पे आके खाना बनाओ मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो बस उन्होंने मेरे सालन बना के चली गई, वो बैठी बहुत सारी बातें करी और अब थोड़ी सी साफ सफाई किचन की वो कर देती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ मैं। खाना भी खाया, भूख लग रही क्या हो रहा है, ऐसे उदास उदास क्यों लग रहा है, दांत में दर्द हो रहा है क्या, बात कर रहा है दांत में दर्द हो रहा है, बैठ देखा डब्बा गिर गया, दांत में दर्द बहुत हो रहा है यार, देखा कुछ ऐसे चिकन विकन की बोटी लटक गई, अगर ये यहाँ हो रहा है ये अगर और किसी कैविटी से खा ये हाँ दांत में तू ढंग से दांत नहीं मार रहा, ये दांत निकल रहा है तो तेरे, हाँ दांत निकल रहा है नया उसकी वजह से तेरे को टीस मार रही होगी है ना, इसके दांत निकल रहा है नया तो उसकी वजह से होता है ना गोश्त फट के निकलता है तो दर्द हो रहा है, ये निकल रहा है ये ना इसकी कह रहा ना, हाँ ये दांत निकल रहा है तेरे, ठीक है। आज आपको मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, मेरी अम्मी का बनाया हुआ हाथ का चिकन दिखेगा, मेन चीज आज यही है, फोकस भी नहीं हो रहा है इसको, सार मायने क्या अल्लाह बिस्मिल्लाह दिख रहा है कितना लाजवाब, खुशबू तो बहुत बेहतरीन आ रही है माशाल्लाह से, मानना फ्रेंड मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ अम्मी ने बनाया, मैं इसलिए बात कर रही हूँ एकदम शादियों वाली महक आ रही है, ऊपर कर देती हूँ कैमरा ताकि आप मेरी शक्ल देख पाओ, एकदम शादियों वाली महक आ रही है इसके अंदर सालन के अंदर, वो एक जो जैसे अम्मी अम्मी बनाती थी ना तो मैंने भी अम्मी को एक दो ट्रिक दिया आज बनाने के लिए, अम्मी क्या करती कच्चा मसाला डालती थी प्याज भूनती, मतलब अम्मी भी अच्छा बनाती थी पर अम्मी प्याज तलती थी ना तो तलने के बाद उसको निकालती नहीं थी, उसमें चिकन डाल देती डाल के कस लेती थी, लेकिन मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी तो प्याज तल के निकाल लिया करो उसको दही के संग पीस के फिर बाद में डाला करो तो उससे ना टेस्ट एकदम ना शादियों में जो कोरमा बनता है ना वैसे बन जाता, तो कुछ मैंने अम्मी से सीखा कुछ मैंने आज अम्मी को सिखाया, क्योंकि हम लोग ना नेट पे सब देखते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस खाने में अम्मी का हाथ लग गया ना तो मेरा पेट भर जाएगा। ऑनेस्ट बताऊंगी ऑनेस्ट, इतना टेस्टी बनाया सिंपल बनाया फ्रेंड एकदम, कोई भी चिकन मसाला मटन मसाला मैंने कुछ नहीं डाला,
बहुत टेस्टी बना, और एक बूंद पानी नहीं है इसके अंदर, पानी डालने से चिकन ना अजीब सा हो जाता है। थैंक यू मम्मी, ऐसे ही सब बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार मिलता रहे। चलो फिर मैं खाना खाती हूँ, ये ब्लॉग छोटा सा था, आज मम्मी आते कोरमा खाना था, इसलिए आपके साथ शेयर किया। आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। इंशाल्लाह जल्दी मिलती हूँ, सलाम नहीं कर सकती, अल्लाह हाफिज़ बोल सकते हैं नहीं बोल सकते पता नहीं, फिर बोल देती हूँ अल्लाह हाफिज़।